अरे विदेश में तो डंका बजा दिए कम से कम। विदेश में वहाँ डंका बजाया तो यहाँ रहने वाले यहाँ के वहाँ क्या देखें? आपको तो यहाँ देखना, हम जाके रहने वाले हैं। इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा भैया, परेशान होगा। जो अपनी वाइफ को नहीं हुआ वो जनता का होगा। सिलेंडर विलेंडर भरवा पा रही कि नहीं? नहीं भरवा पा रहे भैया, 1200 का है, कहाँ भरवा लेंगे। बताओ घर में कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा तो अल्लाह ही जानत कैसे बन रहा। अधिकतर इनके बीजेपी के ही विधायक मंत्री, इनके बेटे बेटे जो इनके कार्यकर्ता धरता ही लोग करते रहते हैं। भाजपा वाले गुंडे कर रहे हैं? भाजपा वाले ही गुंडे करते हैं। आत्मनिर्भर बनिए, स्वरोजगार अपना ठेले वेले लगाइए, मोदी जी कह रहे हैं। आत्मनिर्भर बने, पकौड़ा बेचे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी, और हम लोग लगातार तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या मुद्दे लोगों के बीच में हैं। लगातार सरकार दावा कर रही है 9 साल बेमिसाल कामकाज अपने मोदी सरकार गिनवा रही है, कि चाहे राशन देना हो, चाहे लोगों को सिलेंडर देना हो, तमाम काम गिनवा रही। लोग कितना खुश हैं, संतुष्ट हैं मोदी सरकार से, मोदी सरकार के 9 साल के काम से, और क्या वो दोबारा लाना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ये बात बोल चुके हैं कि वो अगली बार फिर लाल किले से झंडा फहराएंगे। तो क्या दोबारा प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री यहाँ की जनता बनाएगी या नहीं बनाएगी, क्या चाहते हैं, कितना खुश और कितना नाखुश हैं भाजपा सरकार से, वो जानने और समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गोविंद वर्मा है। कैसे लगे मोदी जी की 9 साल? 9 साल इनके बहुत बेकार लगे। कहा है? बहुत से वादे किए थे, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया? नहीं नहीं किया। गरीबों की सरकार है महाराज, राशन आपको मुफ्त दे रही सरकार, बेरोजगार सिलेंडर दे रही। बेरोजगार हूँ, MSc किया हुआ हूँ, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार? बेरोजगार है। तो आत्मनिर्भर बनिए स्वरोजगार, अपना कोई ठेले वेले लगाइए, मोदी जी कह रहे हैं। आत्मनिर्भर बने, पकौड़ा बेचे। आप प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं? अब हमारे प्रधानमंत्री पकौड़ा बेचते हुए आए, अब वो बोल रहे कि हमें पकौड़ा बेचता था, आज तक वो कहीं तस्वीर दिखाई नहीं कि अब हमने पकौड़ा बेचा है, और बोल रहे हैं गुंडाई मुक्त कर दिया है। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, सब भाग गए उत्तर प्रदेश, जितने माफिया सब उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। डेली प्रतिदिन गुंडाई होती है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। और अधिकतर इनके बीजेपी के ही विधायक मंत्री, इनके बेटे बेटे जो इनके कार्यकर्ता धरता ही लोग करते रहते हैं। भाजपा वाले गुंडाई कर रहे हैं? भाजपा वाले ही गुंडाई करते हैं, और शासन प्रशासन सब इनके ही सहयोग से चलता है। सपा में गुंडा राज था, जंगल राज था, सब यादव मुसलमान सब बदमाशी करते सपा की सरकार। अब वो अपनी झोंक रहे हैं, क्या बताएं, जितना जो भी जितना गुंडा राज। सपा की सरकार कैसी थी? सपा की सरकार बहुत बेटर थी, लखनऊ के अंदर विकास करने वाली सबसे अच्छी सरकार जो थी सपा ही थी। इन्होंने मुख्यमंत्री हमारे योगी राज आदित्यनाथ जो भी हैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने एक भी काम हमारे यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश लखनऊ में नहीं किया है, एक भी काम हमें बता दें वो मान लेंगे। अभी ये जो नया गठबंधन तैयार किए इंडिया नाम से, कुछ कर पाएंगे कि नहीं? ये लोग इस बार 24 में इनको पैदल कर देंगे, ये अपना झोला बिस्तर लेके जो बोल रहे थे कि हम झोला लेके आए हैं, झोला लेके चले जाएंगे, खाली इस खाली झोला लेके नहीं जाने देंगे इनको। अच्छा। इनको पहले पूछेंगे, पूछताछ करके इनको ये जो झोला चेक होगा, पहले झोला चेक होगा, उसके बाद ये सलाखों के पीछे जाएंगे। अच्छा। ये घर नहीं जाएंगे, ये सलाखों के पीछे जाएंगे। इतने बढ़िया तो नेता हैं आपके, जबरदस्त प्रधानमंत्री हैं, विदेश में डंका बज रहा, विश्व गुरु बना दिए। जो अपनी वाइफ को नहीं हुआ वो जनता का होगा, जो अपने बच्चों अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया उसने, तो वो जनता के लिए काम करेगा। अच्छा। हम लोगों ने बहुत गलत किया जो इसको चुन लिया, इस बार ये गलती नहीं करेंगे, इसको चुनेंगे इस बार। यहाँ से हम लोग राहुल गांधी बेटा है, सपा है, सब गठबंधन है, सपा की वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। चलिए और लोगों से बात, काम क्या लगा रहा है, मोदी जी का काम काज कैसा लगा? अरे भैया बस यही कि राशन दे थे तो का खाली राशन खा ले, सब्जी इतनी महंग, दाल इतनी महंग, सिलेंडर इतना महंगा, गरीब आदमी अगर दिन भर 300 की मंजूरी करके अपने बच्चों को कैसे पाल सकता है आप बताएं। महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी बढ़ी। आमदनी काहे के बढ़ी, हम पंच न चल पाई, न फिर पाई, न कोई काम कर पाई, न धंधा कर पाई, मालिन नरे गम गन वो हम नहीं कर पाई थी। अच्छा। तो तुम बताओ का कर सके थे, हमारा उम्र है नरेगा चलावे की, तुम बताओ रोजगार रोजगार दे रहे हैं कि नहीं बच्चों को? कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं है।
तो कहते हैं हम सबको रोजगार दे दिए। सबका कौन रोजगार दे, हमारे इधर मोहल्ले में कोई? भैया आप बताओ, हम लोग सब लोग बेरोजगार ही है, ये हमारी माता जी, हम लोग सब लोग बेरोजगार है, माता समान है, हम लोग सब बेरोजगार है, क्या करें? इतनी महंगाई है, 110 रुपए पर लीटर तेल है, और जो खेती है, खेती में हम लोग सब्जी वगैरह यूज करते थे, अब वो भी नहीं है। अच्छा। हाँ, टमाटर हम लोग अब ये विदेश से लेके आ रहे हैं, इतना महंगा। हमारा टमाटर जो है 2-3 रुपए के जी में जाता है, ये अपना जो है पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं, 300 रुपए प्रति के जी में मिल रहा है। सिलेंडर भरवा पा रहे हैं कि नहीं? नहीं भरवा पा रहे भैया, 1200 का है, कहाँ से भरवा लेंगे? नहीं भरवा। बताओ घर में कैसे बन रहा है? कैसे बन रहा तो अल्लाह ही जानत कैसे बन रहा। आप चल के देख लो, आदमी लेंगर डूला पाहिज पड़ा है मार, एक समझ लो कि कोई लाग के नहीं है, कि कोई लाग के हुए ना उठ पाते, ना चल पाते, ना बैठ पाते, आप किसी से पूछ लो, सब लोग पेंशन वेंशन उनकी आती है कि नहीं? हाँ, जो है वो है, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, पेंशन आती तो 4 महीने में 3000 रुपया मिला, तुम का कर ले हो? अच्छा, मोदी जी एक आयुष्मान कार्ड बनवाए थे मुफ्त में इलाज करवाने के लिए, बना है कि नहीं? हाँ बना है। इलाज होता है उससे? नहीं, मिलाज उलाज नहीं करवाते हैं कुछ, अब बूढ़े हैं, उनका कहाँ ले जाइए। किसी भी तरीके की दवा उसको कार्ड से मिलती है कि नहीं? अब हम लाइबे नहीं कहें, सरकारी हॉस्पिटलों में दवा थर्ड क्वालिटी की मिलती है, वहाँ पे केवल पैरासीटामॉल, अजूबी टिकिया मिलती है और कुछ नहीं मिलता भैया। अच्छा। हाँ, वो आयुष्मान कार्ड उनका यूज करने के लिए लेके जाओ, वहाँ के अधिकारी भगा ही देते हैं। आयुष्मान कार्ड से कुछ नहीं लाभ मिला है? आयुष्मान कार्ड लेके आप क्या करने आए हो? आप पैसा दो बस, तुरंत बोल देंगे कि आप प्राइवेट में जाइए। क्या लगा रहे मोदी जी के 9 साल बेमिसाल? अब 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मोदी जी की बनेगी नहीं, ये हम नहीं कह रहे, पूरी जनता कह रही है। बेमिसाल काम किए? हाँ, बेमिसाल काम किए, लेकिन विदेशों में किए, यहाँ थोड़ी किए हैं। विदेश में गए यहाँ कुछ नहीं। 1200 रुपए का सिलेंडर, 400 रुपए का मिल रहा था, 1200 रुपए का सिलेंडर है, टमाटर इतना महंगा है, सब्जी इतनी महंगी है, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, कुछ पूछो ना। अरे विदेश में तो डंका बजा देगा। हाँ, विदेश में वहाँ डंका बजाया, तो यहाँ हम रहने वाले यहाँ के वहाँ क्या देखें? हमको तो यहाँ देखना, हम जहाँ के रहने वाले हैं, इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बर्दाश्त नहीं होगा भैया, परेशान होगा क्या? देखो दुकान खोले छोटी सी, यहीं बैठे हैं, बोले तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन नहीं आ गए, वो दिन जो पहले थे वो वापस कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा। हाँ, वो दिन अच्छे थे, ये नहीं अच्छे, बिल्कुल नहीं अच्छे। राहुल गांधी कैसे नेता हैं? राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं भाई, ये तो लोग तो बोलते सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये लोग तो बोलते पप्पू है राहुल गांधी। अरे पप्पू है तभी तो अच्छा काम करेगा जो पप्पू है। अच्छा। ये तो पूरे गप्पू है, खाली गप्पू को बस, और कुछ नहीं। विदेशों में डंका बजाओ, हिंदुस्तान में आके कोई तो कुछ है ही नहीं। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है? 4 महीने हो गए, क्या हुआ? रुका कुछ वहाँ दंगा फसाद? कुछ रुका है? रुका है कुछ? राहुल गांधी जिसको पप्पू बोलते हैं वो तो गए वहाँ पे और जाके वो कुछ भी तो कुछ तो उसने किया भाई। विपक्ष जो है वो संसद क्यों नहीं चलने दे रहा? क्यों नहीं चलने दे रहा? क्या वजह? और आप क्यों नहीं आ रहे हो संसद में मोदी जी? आप भैया संसद में बात करिए। 2 घंटा भाषण दिए आए थे। अरे वो 2 घंटा भाषण खाली बस यही है, लगभग बस अमरीका चले गए, फलाजिका चले गए, जर्मन चले गए, वहाँ चले गए, आके हिंदुस्तान में बताया हाँ वहाँ गए थे, ये करिया वो करिया, यहाँ की जनता क्या होगा? 2024 में अब क्या आप लोग मूड बना रहे हैं? 24 में तो भाई कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस लगता है आ जाएगी? बिल्कुल 101%। ये लोग तो बोल रहे हैं हम लोग 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे भाजपा वाले गए। नहीं नहीं, ये तो खाली कहने की बात है, वो तो सब कुछ कहते हैं, जो कहा वो हुआ कहाँ भी। अच्छा, अच्छे दिन कहाँ है? कर दे बात दूसरी है, बोल रहे सिलेंडर हम लोग फ्री दे रहे हैं, 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त में बांटा इन लोगों ने। अच्छा ये बताइए, चावल जो दे रहे हैं, चावल और इतने गेहूँ, वो कितने दिन आदमी खाएगा? और कुछ नहीं खाएगा, उसमें नमक पड़ेगा, मिर्चा पड़ेगा, तेल पड़ेगा, सब्जियाँ आएंगी, खाली वही चबा लेगा। सरकार फ्री में ही दे देगी क्या 35 किलो राशन? नहीं, सब सरकार फ्री में तो नहीं देगी, लेकिन कम से कम जो महंगाई चल रही है, टमाटर 200-250 रुपए बिक रहा है, इसके बारे में क्या सोचा मोदी जी ने? महंगाई ज्यादा है, बिल्कुल है। आमदनी कुछ नहीं, बेरोजगारी बहुत, बेलिमिट 90%। आत्मनिर्भर हुए कि नहीं आप? अरे हम लोग क्या हुए बता तो रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। रोड पे बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, गाड़ियों काम करते थे, सब वहाँ से खत्म हो गया, हाईवे बन गया, बेबे लोग निकल रहे हैं, गरीब आदमी किनारे हो गया। हाँ, यही तो है लड़का का या काम कर। अच्छे दिन नहीं है? अच्छे दिन नहीं है भैया, अच्छे दिन कभी थे, अब तो बुरे दिन आ गए। कांग्रेस में अच्छे अच्छे दिन थे। हाँ, कम से कम ये तो था कि पेट भर के आदमी खाता था,
घर द्वार पेट भर के आदमी खाता था, दो पैसे का धंधा करता था, रोजगार था उसके पास, तो रोजगार छीन गया। मोदी जी ने कहा पकौड़े तलो, तो हम लोग पकौड़े तल रहे, क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो लखनऊ में है, लखनऊ के आउटर में ये गांव है, गांव का नाम क्या है? चांदसराय गांव का नाम है। विधानसभा ये मोहनलालगंज लगती है, लोकसभा भी मोहनलालगंज है। और तो आप लोगों ने सुना कि कितने अच्छे दिन आए, लगातार जो सरकार दावा कर रही है कि 9 साल बेमिसाल वापसी फिर से होगी, नरेंद्र मोदी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसमें आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनके जनता के बीच में आएंगे या नहीं, या फिर इंडिया गठबंधन से कोई एक प्रधानमंत्री का चेहरा होगा? आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, कितना खुश आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से हैं, भाजपा सरकार से कितना खुश आप लोग हैं, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, अब तक नमस्कार।